हेलो एवरीवन दोस्तों, ईगल को दुनिया भर में अपने बहादुरी, होशियारी, शातिर शिकारी परिंदे के तौर पर जाना जाता है और लगभग दुनिया के 155 देशों में से 12 देशों ने ईगल को अपना राष्ट्रीय परिंदा रखा है और ऐसे भी कई सारे देश हैं जिसने अपने देश के झंडों पर ईगल की निशानी रखी है और इसकी फुर्ती, चालबाजी, होशियारी की वजह से इसे सबसे बेहतरीन शिकारी परिंदा भी माना जाता है। और आज के वाइल्ड लाइफ पर रिसर्च करने वाले जो कि साइंस की टेक्नोलॉजी की मदद लेकर ईगल जैसे परिंदों की जानकारी रखने का दावा करते हैं, लेकिन सऊदी अरब में एक लड़के को जब ईगल पर एक जीपीएस ट्रैकर मिला और जब उसने अपने लैपटॉप से उसे लगाया तो जो चीजें सामने आई उसने साइंस के इन बातों पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस ईगल पर लगे जीपीएस ट्रैकर में ऐसा क्या मिला जिसने सबको चौंका कर रख दिया। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सऊदी अरब का एक लड़का जिसका नाम फहद है, वो एडवेंचर ट्रैवल का शौकीन है। फहद जब भी अपने रूटीन लाइफ से बोर होता था तो वो वक्त निकालकर वीरानों, जंगलों, पहाड़ों की ओर घूमने निकल पड़ता था। और ऐसे एक एडवेंचर ट्रैवल के दौरान फहद सऊदी अरब के एक बंजर इलाके की ओर निकल पड़ा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके रोज के ट्रैवल से आज का एडवेंचर ट्रैवल कुछ खास होने वाला है। फहद वहाँ के नज़ारों के मजे लेता एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था कि इसी बीच उसका ध्यान एक काली चीज पर पड़ी और उस काली चीज ने फहद का पूरा ध्यान अपने ओर खींच लिया। लेकिन फहद के दिमाग में तो यही बात आ रही थी कि इस बंजर इलाके में ना तो कोई चीज उग सकती है और ना ही कोई जानवर जिंदा रह सकता है। और इसी दौरान उसके दिमाग में कई सारे सवाल खड़े हो गए कि आखिर ये दूर से नजर आ रही चीज है क्या। फिर फहद ने उसके करीब जाकर देखने का फैसला लेते हुए उसके करीब पहुंचा तो उसे एक मुर्दा ईगल पड़ा हुआ दिखा जो कि पूरी तरह से सही सलामत था, उसमें कोई फ्रैक्चर या इंजरी नहीं हुई थी। इसका मतलब ये बेशक अपने बढ़ते उम्र की वजह से मर गया होगा। फहद ने जब उसको पास जाकर देखा तो उसके जिस्म पर एक छोटी सी डिवाइस नजर आई जिसने उसको सोच में डाल दिया था कि इस मुर्दा ईगल पर लगी ये डिवाइस आखिर है क्या। जब उसने करीब जाकर उस मुर्दा ईगल से उस डिवाइस को निकाला तो पता चला कि ये एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस है जिसके पीछे की और उसके मालिक की ईमेल एड्रेस भी मौजूद थी। उसने जल्दी ही अपने घर को लौटने का फैसला लिया और आकर इस डिवाइस को अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और जब उसने इस डिवाइस के डेटा को देखा तो उसको बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि इस डिवाइस को 20 साल पहले कजाकिस्तान के किसी शख्स ने लगाया था और तकरीबन 20 सालों तक ये ईगल के जिस्म से लगी रही और हर उस जगह का डेटा कलेक्ट किया जा ये ईगल सफर किया था। इस दौरान ये ईगल कई सारे देशों का सफर किया, यहाँ तक कि ये ईगल सऊदी अरब से लेकर अफ्रीका, सूडान और इथियोपिया का भी सफर कर चुका था। इस दौरान इसने कई सारे शहर और खूबसूरत वादी और पहाड़ों के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन न जाने क्यों सारी उम्र ये ईगल समंदर के पानी से दूर ही रहा और न उनके ऊपर से उड़ान भरी। फहद को इस बात ने सोच में डाल दिया और फिर उसने इसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों ये ईगल सारे जगहों से उड़ान भरी सिवाय समंदर की। और काफी सारे रिसर्च के बाद उसको इसकी वजह पता चल ही गई कि जब ईगल लंबे सफर के लिए उड़ान भरते हैं तो वो जमीन के निकले गर्म हवाओं की मदद से बहुत ऊपर तक चले जाते हैं जिस कारण उन्हें सफर में ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से ज्यादा दूरी कम ताकत का इस्तेमाल करके तय कर लेता था। इसी कारण ईगल जब भी उड़ान भरता था तो समंदर के रास्ते जाने से दूर ही रहता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय कर सके। आपको बता दें कि इस परिंदे ने हर दिन 300 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था, जबकि इंसान किसी बाइक की मदद से भी शायद इतना लंबा सफर तय नहीं कर सकता। ये बेशक ऊपर वाले की कुदरत है जो ये परिंदा इतना लंबा सफर तय कर सका और यही बात ईगल को और परिंदों से काफी अलग बनाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।